जोहार लोकल खबर में आप सभी का स्वागत है। आज बहुत ही खास दिन है, सरहुल रांची में मनाया जा रहा है, साथ ही साथ ईद के जश्न का मुबारक समय भी है और नवरात्र का भी समय है। इस समय देख सकते हैं कि रांची में इन सभी त्योहारों का किस तरह से जश्न है और रांची में जो पीछे देख रहे हैं किस तरह से आदिवासी समुदाय के लोग यहाँ पर जुलूस और भव्य झांकी के तौर पर यहाँ पर नाचते गाते आ रहे हैं। हमारे श्री रमेश सिंह जी की ओर से आपको हार्दिक अभिनंदन एवं झारखंड चार करते हैं। वहीं आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस प्रशासन किस तरह से तत्पर है और पुलिस के जितने यहाँ तमाम फोर्स हैं अपने चुस्ती के साथ यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं और लोगों को सही दिशा निर्देश दे रहे हैं, कैसे चलना है, किधर जाना है, किधर नहीं जाना है। साथ ही साथ जो गाड़ी है उनको भी यहाँ पर रोका जा रहा है क्योंकि ईद का भी समय है, सरहुल का भी समय है। झारखंड एक ऐसा गुलदस्ता बना है जिसकी मिसाल पूरे दुनिया में नहीं दी जा सकती। आप देखिए कि जिस दिन हम लोग रमजान के चांद देखे और आज ईद मना रहे हैं और हम लोग पहले ही तय कर लिए थे कि सरहुल का भव्य स्वागत करेंगे। अब देखिए ये गंगा जमनी जो तहजीब है, जो हमारा एकता भाईचारा है, ये झारखंड की राजधानी रांची में देखने को मिल रहा है। इससे बड़ी और कोई उदाहरण नहीं हो सकती। आप देख लीजिए कि ईद का त्यौहार हम लोगों के लिए सबसे बड़ा त्यौहार होता है, उसके बावजूद जो सरहुल जो प्राकृतिक का सबसे अविश्वसनीय पूजा होती है जिसके जिसकी लोग आराधना करते हैं, उनका जुलूस निकल रहा है। मैं गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा के महासचिव गगनदीप सिंह सेठी, सिख समुदाय की ओर से सरहुल एक प्रकृति पर्व है जो हमारे झारखंड राज्य का बहुत ही खूबसूरती पर्व है। इस पर्व के मैं सारे झारखंड वासियों को सरहुल की बहुत सारी बधाई शुभकामना देता हूँ। उसके साथ साथ जो ईद का भी पर्व है उसके साथ नवरात्रा है। हम जैसे एक सिख समुदाय हमेशा अगर सर एक सेवा का योगदान की भावना से रहता है और हर साल की भांति इस साल भी जैसे सरहुल के समय में हमारा स्टॉल लगता है, रामनवमी हो, ईद हो, इसमें सब आपसी भाईचारा का संदेश देने के साथ साथ हम इस पे सेवा में अगर सर सिख समुदाय जब भी गुरु का काम होता है, सेवा का काम होता है, तो हम अपने ओर से गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा की ओर से सरहुल की ईद की बहुत सारी बधाई बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। ज्यादा से ज्यादा पैसा से हमारे
धर्म को आगे बढ़ाने का काम करे और पर्यावरण संरक्षण से ही पूरे दुनिया भर देगा। इसलिए पूरे मानव सभ्यता को अपील करना चाहते हैं कि आदिवासी दर्शन के ही साथ आइए और मिलजुल करके हम सभी समाज को बचा रहे हैं। स्वागत करते हैं और आदिवासी समाज में एक परंपरा के तहत धरती और सूर्य का विवाह होता है। इस विवाह में हमारे तमाम आदिवासी समाज के लोग पान के द्वारा पूजा करते हैं और उसको श्रद्धा सुमन करके उनको धन्यवाद और आशीर्वचन लेते हैं। मैं इसी संदेश के साथ आप सभी लोगों को कहना चाहता हूं कि आदिवासी समाज का जो आपसी प्रेम और भाईचारा है वो देखने को मिलता है और अपने धर्म और संस्कृति को बचाने का इस सरूल शोभा यात्रा में एक उद्देश्य के रूप में एक दिखाने के रूप में कि हम हिंदुस्तान में आदिवासी भारत के लोग इस तरह से पहचाने जाते हैं। इसी सरूल शोभा यात्रा में देखने को पता चलता है कि हमारा सरूल और आदिवासी समाज हम प्रकृति जीवन है और हमारे लोग यहाँ पर पूजा पाठ करते हैं।
जोहार।